आज हम देखने वाले कि सुजुकी एक्सेस 125 का ऑयल चेंज और गियर ऑयल चेंज कैसे करते हैं। देखिए ये है हमारी सुजुकी एक्सेस 125 BS6, सुजुकी एक्सेस 125 BS6, ये अपना है BS6 का। तो आज हम इसकी ऑयल चेंज करने वाले, वो भी घर पे करने वाले। और आप जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए जरूर। थैंक यू। सो गाइस, सबसे पहले हम ये फिलर कैप है अपना, उसको हम अच्छे से खोलेंगे, अच्छे धीरे धीरे से। फिर इसको हम अच्छे से बाहर निकालेंगे और क्लीन करके लेंगे। सबसे पहले क्लीन करके लेंगे, फिर जिसमें हमें ऑयल निकालना है, आपके पास अगर कुछ नहीं रहेगा तो आप इसमें ऐसा निकाल सकते। फिर आपके पास अगर आपके पास बॉक्स स्पैनर सेट रहेगा तो अच्छा ही है, अगर नहीं रहेगा तो रिंग स्पैनर सेट है, उससे आप ड्रेन प्लग को लूज़ करके ऑयल निकाल सकते। सो गाइस, इंजन अभी गर्म रहेगा तो आप ड्रेन प्लग को ओपन ना करें, क्योंकि वो स्लिप होने का चांसेस रहता है, तो आप वैसे ना करें। अभी मेरा इंजन ठंडा हो गया, इसलिए मैं ओपन करके देख रहा हूँ उसको। तो अभी हम इसको ठीक से अच्छे से लूज़ करेंगे, फिर धीरे से ओपन करेंगे। और फिर इंजन गर्म होना नहीं चाहिए, ये आप ध्यान में रखें, इंजन ठंडा होने पर ही आप इसको ओपन करें। आप भी देख सकते हैं कि ऑयल नीचे गिर रहा है। इसको हम 5 to 10 मिनट्स तक ऐसा सेंट्रल स्टैंड पे लगा के रखेंगे, फिर ऑयल पूरा नीचे आने देंगे, उसको पूरा क्लीन होना चाहिए, वो अच्छे से आने देना चाहिए वो सब। आप देख सकते हैं कि कैसे ऑयल नीचे गिर रहा है, काला काला हो गया पूरा, क्योंकि ऑयल ख़राब हो गया। अच्छे से 5 to 10 मिनट। फिर अब इस सेंट्रल स्टैंड से निकाल के इसको धीरे से जर्क देने का, ज़रा लेफ्ट और राइट साइड में ऐसा देते रहने का थोड़े टाइम, जो साइड में भी ऑयल रहेगा वो भी सब निकल जाएगा नीचे। ऐसा धीरे से जर्क देने का ज़रा लेफ्ट साइड और राइट साइड में, सेंट्रल स्टैंड से निकालने के बाद आप अच्छे से दिख रहे ऑयल नीचे आ सकते हैं। ये ओरिंग है हमारा, ड्रेन प्लग है हमारा, ये इसके ऊपर जो ब्लैक कलर है वो ओरिंग है। वो कभी भी हम जब ऑयल चेंज करते हैं तो अगर ख़राब हुआ रहेगा तो इसका गैस्केट चेंज करवाना चाहिए। आप देख सकते अच्छे से, और उस अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए उसको। फिर हमें वो नीचे स्टेनर रहता है, वो आप अच्छे से आप नाखून से भी निकाल सकते हैं उसको, पर धीरे से निकालना, डैमेज नहीं होना चाहिए। देखिए ये स्टेनर है, जाली जाली जैसा रहता है ये। इन शॉर्ट ये सब फिल्टर जैसा काम करता है, ये अपने ऑयल के लिए कचरा बिचरा जो सब रहेगा वो इसमें आता है। अगर गंदा रहेगा तो आप एयर प्रेशर से इसको साफ़ कर सकते हैं अच्छे से, देख सकते हैं ये स्टेनर। तो इसको आप केरोसिन, डीजल और एयर प्रेशर, कंप्रेसर से आप इसको साफ़ कर सकते हैं अच्छे से। ये जाली, इसमें बहुत पार्टिकल्स आ सक, डस्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं, ये जाली जाली देख सकते हैं। ये अगर गंदा हो गया, ब्लैक हो गया रहेगा तो आप इसको रिप्लेस ही करिए, क्योंकि मतलब वो इन शॉर्ट उसका लाइफ ख़त्म हो गया। अगर नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उसको। अगर इसका जाली टूट फूट गया और अगर ख़राब हो गया तो काला पड़ गया, तो आप नया वाला इसमें आप नया वाला डाल सकते हैं उसमें। आप ठीक से देख, अभी मैं ड्रेन प्लग अच्छे से साफ़ कर रहा हूँ। तो आप अगर देखिए, देखिए बर्ड पार्टिकल्स रहते हैं अच्छे से। इसका गैस्केट अगर ख़राब हुआ रहेगा तो आप चेंज कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है घर पे ऑयल चेंज कर रहा हूँ, तो अभी भी ये मतलब अच्छा ही है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं, ये देखिए बर्ड पार्टिकल्स, देखिए आप ये देखिए, अभी कपड़े को देखिए, देखिए डस्ट पार्टिकल्स है, वो मेटल मतलब आपका ऑयल ख़राब कर सकता है। अगर ये डैमेज हुआ रहेगा तो, ख़राब हुआ रहेगा तो आप चेंज कर सकते। ये जो ड्रेन प्लग है इसको आज अभी हम अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। आप देखिए डस्ट पार्टिकल्स, देखिए कपड़े को कैसे दिख रहा है, ये सब अच्छे से क्लीन करके रखेगी इसको, मतलब ख़राब नहीं होना चाहिए, ये सब अच्छा क्लीन रखना चाहिए इसको। अगर ख़राब हो तो आप नया लगवा ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसको, रिप्लेस कीजिए। अभी देखिए ये जो स्ट्रेनर है, हमने साफ़ किया था अच्छे से कंप्रेसर से। कंप्रेसर से साफ़ करने के बाद भी आप थोड़ा मतलब फूक मार के देख सकते हैं उसको, फूक मारिए ज़रा, और थोड़ा मतलब प्रेशर से मुंह से, और मतलब देख सकते हैं आप। और फिर अच्छे से इसको नीचे से आप लगा दीजिए अच्छे से, मतलब फिर से उसकी अपनी जगह पे धीरे से प्रेस कीजिए, धीरे से प्रेस करते जाइए उधर,
और ठीक से आराम से, क्योंकि वो डैमेज नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसको हम धीरे से प्रेस कर रहे हैं, एकदम धीरे से, कुछ होना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा, अच्छे से वो फिट रहना चाहिए अपनी जगह पे। फिर अच्छे से फिर अपनी अपनी जगह पे जो हमने ये निकाला था उसको हम अच्छे से हैंड से ही टाइट कीजिए, स्लिप नहीं होना चाहिए डायरेक्टली, हैंड से ही टाइट कीजिए उसको थोड़ा अच्छे से। फिर स्पैनर लीजिए और धीरे से इसको हम कर रहे हैं अभी टाइट, अच्छे से कीजिए धीरे से, और ज़्यादा टाइट भी नहीं करें क्योंकि रिंग्स फिसल सकता है, इसलिए इतना भी टाइट ना कीजिए, धीरे से खींच के बस उतना ही कीजिए आप, उतना ही करना है अभी हमें। अभी हम देख सकते हैं ये कैस्ट्रॉल एक्टिव स्टॉप स्टार्ट 10W30, ये जो एक्सेस 10W30, ये एक्सेस 125 ने रिकमेंडेड किया है कि ये गियर ऑयल डालिए आप, इंजन के लिए अच्छा है। ये 1 लीटर में आता है, इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी अपना 750 टू 850 ml सिर्फ जाता है, और बाकी का जो बचा हुआ रहता है वो हम 50 ml गियर ऑयल के लिए डालेंगे, इतना ही है उसमें। ये 1 लीटर का 10WD एक्सेस ने रिकमेंडेड किया है। सो अभी ये हमने ओपन कर लिया है अपना ऑयल का, फिर इस पर अभी जो आपको सील दिख रहा है उस पर हमें 2 होल मारना है, एक ऑयल डालने के लिए और एक दूसरा होल एयर के लिए जो अंदर जाके थोड़ा प्रेशर देगा ऑयल के लिए अच्छे से जाने के लिए। फिर हमको धीरे से, अगर आपके पास कैन नहीं रहेगा तो आप पेपर से भी बना के डाल सकते हैं उसके अंदर, धीरे से आप अच्छे से देखे पहले कि जा रहा है कि नहीं उसके अंदर, धीरे धीरे से चेक करते जाइए अच्छे से, मतलब एकदम धीरे से आप डाल सकते हैं उसके अंदर। देखिए आप देख सकते हैं ऑयल कैसे जा रहा है अंदर, एकदम क्लियरली जा रहा है अंदर ऑयल, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं पेपर के इधर है आप बराबर, मतलब इतना भी ज़्यादा प्रेशर से नहीं डालने का, वो धीरे धीरे जा रहा है उसके अंदर। सो गाइज, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप देख सकते हैं ऑयल ठीक से जा रहा है गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और गिरीश सोनारी ब्लॉग्स को। सो गाइज, अभी इंजन ऑयल तो चेंज हो गया, तो अभी हम गियर ऑयल चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं ये लेवल प्लग है गियर ऑयल का, इसको हम पहले लूज करेंगे, और ये जो दूसरा है ये ड्रेन प्लग है उसका। तो सबसे पहले हम लेवल प्लग है उसको ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं उसको ओपन करेंगे, आप देखेंगे अभी उसमें से ऑयल जो आ रहा है, मतलब आप समझ सकते कि हाँ मतलब लेवल बराबर था गियर ऑयल में अपना। तो अभी सेकंड वाला ओपन करेंगे हम ड्रेन प्लग धीरे से ओपन कीजिए, इतना भी नहीं करना, अब धीरे से ओपन कीजिए उसको। धीरे से ओपन करने के बाद आप देख सकते कि उसमें से भी ऑयल अब आ रहा है, पूरा ऑयल नीचे आ रहा है, गिर रहा है पूरा। आप देख सकते हैं ऑयल भी काला हो गया है, मतलब ख़राब है उसकी, आप चेंज करते रहिए एवरी 2000 किलोमीटर्स, अच्छे से मतलब पूरा क्लीन होना चाहिए वो, पूरा अच्छे से ये होना चाहिए। और ठीक से धीरे से आप देख रहे, इसको भी हम 5 to 10 मिनट्स आप रख सकते हैं डबल स्टैंड पे लगा के, सेंट्रल स्टैंड पे आपने, तो पूरा ऑयल नीचे आना चाहिए, आना ही चाहिए पूरा ऑयल, क्लियर होना चाहिए कोई भी ऑयल। अभी हम इसको थोड़ा अपने पास खींच के, जो लेवल में भी है ऑयल वो भी हम पूरा इसको निकाल रहे हैं। तो अभी देख रहे, अभी हमने एक्सेस को लेफ्ट साइड हैंड पे खींच लिया है पूरा सेंटर स्टैंड पे, ऑयल देख रही है पूरे साइड से, ऑयल गिरना चाहिए पूरा, कुछ भी रहना नहीं चाहिए, अच्छे से उसको मतलब पूरा ड्रेन कर लीजिए पहले ही, कुछ भी ठीक से नहीं रहना चाहिए, पूरा अच्छा सा क्लियर हो रहा है। तो यही गाइस, वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गिरसोन ऑन व्लॉग्स को। ठीक से अच्छे से अब देख सकते हैं इधर ड्रेन प्लग ऑयल देख रहे हैं आप, देखिए कैसे ड्रेन हो रहा है पूरा ऑयल दोनों इधर साइड पे। सो गाइस, ये हमारा ये डिपस्टिक है, आप देख सकते हैं
ये डिपस्टिक है इंजन ऑयल के इधर रहता है लेवल चेक करने के लिए। आप इसको अच्छे से क्लीन कीजिए क्योंकि इसमें से भी डस्ट पार्टिकल्स आके आपके इंजन को डैमेज कर सकते हैं, डस्ट भी सब बैठ सकते हैं। इसको देख रहे हैं आप, अच्छे से क्लीन कीजिए, क्लीन एकदम मतलब अच्छा क्लीन होना चाहिए क्योंकि नया ऑयल डाला है हमने उसमें पूरा। तो इसको अच्छी तरह से आउटर से भी साफ़ कीजिए और इनर से भी साफ़ कीजिए अच्छे से। आप देख सकते हैं ये ओरिंग है उसका, ये ओरिंग है, ये ख़राब नहीं हुआ है क्योंकि ये नया गाड़ी है मेरा। तो आप देख सकते हैं कि इसका ओरिंग अच्छा है, अभी ठीक है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अच्छा है तो यूज़ कीजिए उसको, अगर नहीं है तो चेंज कीजिए। अभी देखिए इस पर आप लेवल देख सकते हैं, ऑयल का लेवल है इस पर। आप जो ब्लैक का नीचे का देख रहे हैं एकदम नीचे जिधर मेरा थंब है, आप देख रहे हैं उधर पूरा क्लियर है, वो लेवल है उधर तक का ऑयल का, मतलब कंप्लीट सेफ है उधर तक ऑयल अपना, आप देख सकते हो उतना। जो नीचे का बॉटम का है वो आपका ऑयल है, उतना मैक्सिमम और मिनिमम लेवल है उसमें, आप देख सकते हो इधर मैक्सिमम है और मिनिमम लेवल है नीचे। अब इसको हम फिर से अच्छे से धीरे से उसके अंदर से हम लोग उसके अंदर फिट करेंगे, उसके अंदर अच्छे से फिट करेंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे इतना, और फिर से हम उसको रीओपन करेंगे थोड़े टाइम के बाद थोड़े। फिर अभी हम देख सकते हैं इसको फिर से, अभी हम अच्छे से मतलब 2 मिनट तक हम देख सकते हैं इसको, रख सकते मैक्सिमम सेंटर स्टैंड पे। तो अभी हम ये करने वाले कि अभी इसको हम फिर से ओपन करेंगे कि देखने के लिए कि अभी हमने इंजन ऑयल भरा और लेवल से भरा है कि नहीं। आप देख सकते कि मेरा इंजन ऑयल बॉटम देख सकते हैं आप, जो ऑयल से लगा है उसको अच्छे से मैक्सिमम लेवल तक भरा है, मतलब क्लियर है कि हमने ऑयल भरा और डाला है उसमें। इट्स ओके दैट वी कैन फिल टिल देयर। तो आप देख रहे हैं कैसे ऑयल टपक रहा है थोड़ा, आप देख सकते हैं कि ये कितना। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और गिरीश सोनोने ब्लॉग्स को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।